और आज के हालात, हालात क्या है आज के? बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जब मैं शुरू करूंगा बोलना तो जो बुरे हालात है उससे स्टार्ट करूंगा, क्योंकि अक्सर लोग बुरे से ही शुरू करते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैं शुरू में कुछ अच्छे हालात आपको बताऊं। ये मेरे हाथ में एक आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, इंग्लिश पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया। उसमें एक शख्स है हसन सुरूर, वो लिखते हैं इंडियन मुस्लिम्स, इंडिया के जो मुसलमान हैं आप लोग हैं, हम लोग हैं, हम लोग के बारे में वो लिखते हैं, इंडियन मुस्लिम्स फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट पाकिस्तानी, सब लिखने के बाद हसन सुरूर, नाम हसन सुरूर है लेकिन इस तरीके के वो लिख रहे हैं। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद वो लास्ट में लिखते हैं, येट टूडेज मुस्लिम यूथ आर ऑल्सो एक्सट्रीमली कॉन्शियस ऑफ देयर रिलीजियस आइडेंटिटी। फिर भी आज का जो मुसलमान नौजवान है वो अपने रिलीजियस आइडेंटिटी को, मतलब अपने पहचान को बनाए रखने जानता है, एंड शेमलेसली फ्लॉन्ट्स दिस बाय स्पोर्टिंग बियर्ड एंड वेयरिंग हिजाब। और ये उसको दिखाना चाहता, कैसे? दाढ़ी रख के, मैंने रखा, बहुत सारे लोगों ने रखा यहाँ पर, एंड वेयरिंग हिजाब, हिजाब पहन के, लड़कियाँ हिजाब पहनती है, वो इसको दिखाना चाहते हैं। इनफैक्ट वो बोलते, इनफैक्ट दिस इज द परहैप्स द मोस्ट रिलीजियस जनरेशन ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। लेकिन ये सबसे ज्यादा रिलीजियस, अभी का जो जनरेशन ये दिख रहा हम लोगों को, ये सबसे ज्यादा रिलीजियस मुस्लिम जनरेशन है इंडिपेंडेंट इंडिया में। जब से भारत आजाद हुआ है तब से इतना रिलीजियस नहीं हुआ था मुसलमान युवा जितना आज है। ये कैसे हालात है? ये अच्छे हालात है, इसमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमारा जो आज का मुस्लिम यूथ है, और ये भी बोलते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी अदर बॉय, कि हर दूसरे लड़के से या लड़की से जिससे आप मिलते हैं वो नमाजी होता है, नमाज पढ़ता है, एंड इज़ प्लानिंग टू गो फॉर हज, और वो हज पे जाने की तैयारी कर रहा है। मैं हाँ आ चुका हूँ, अभी उमरा की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हज पे जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आज के हालात में ये भी आता है जो अच्छे हालात है। और क्या है? ये मेरे पास एक और आर्टिकल है christiantoday.com, ये ईसाइयों की मैगजीन है, वो लिखते हैं कि क्रिश्चियन ग्रोथ हैज़ स्टैग्नेटेड, कि ईसाइयों का जो ग्रोथ है, ईसाइयों का बढ़ना है, वो रुक चुका है, एंड इस्लाम्स नंबर हैज ऑलमोस्ट डबल्ड, कि इस्लाम का जो नंबर है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। कौन बोल रहा है? ये कोई मुस्लिम मैगजीन नहीं, christiantoday.com, ये कोई भी गूगल कर सकता है, उसके मैगजीन पे जाएंगे, March 1, 2014 का ये आर्टिकल। इस तरीके के कई आर्टिकल मेरे पास है जो कि बता रहे हैं कि इस्लाम फास्टेस्ट ग्रोइंग फेथ है। प्यू रिसर्च सेंटर एक और रिसर्च सेंटर है, अमेरिका का ये रिसर्च सेंटर है, ये अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि इस्लाम सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म है आज के दौर में। सबसे तेजी से कौन सा धर्म बढ़ रहा है? इस्लाम। बीबीसी का नाम सुना है? ब्रिटिशर्स इंग्लैंड, वहाँ का ये न्यूज़पेपर है, वो लिखते हैं इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, इस्लाम सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला रिलीजन। कोई मुसलमान नहीं लिख रहा, ये ब्रिटिशर्स है, अंग्रेज, गोरे लोग, जिन लोगों ने हम पर हुकूमत किया था 150 साल, उन लोगों का ये पेपर है, वो बोल रहा है कि इस्लाम सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला रिलीजन है। अमेरिका वर्ल्ड पावर, वो जो है उसका आर्टिकल है ये, CNN अमेरिकन चैनल है, वो बोल रहे हैं इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, ये भी एक अभी का ये है। इंडिया में विकिपीडिया का ये आर्टिकल है, विकिपीडिया में ये डाला हुआ है, इंडिया में इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, ये विकिपीडिया में, ये कोई ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ। तो ये आज के हालात अच्छे हालात में आते हैं कि इस्लाम सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला आज के दौर में रिलीजन है, ये हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग बुरे हालात तो जान ही रहे, जिस पे मैं अभी आऊँगा। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें, बटन पे क्लिक करें, ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुँचे।